कभी कभी कुछ चीजें देसी अंदाज में भी बहुत अच्छी लगती है, तो आज वही देसी अंदाज में देख लो भाई। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। का दिन है आज हमारा, और आज ये देसी अंदाज में आप देख रहे हैं ना, तसले में आग जल रही है कंडों के बीच में, और ये देखिए पटाखों का धमाधम मचा हुआ है। और अभी इससे जो बनेगा वो भी आप देखिएगा क्या बनने वाला है, बस जो भी है वो साकार ही है। इसमें ये है टमाटर और इसमें है बैंगन, तो आई होप आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या बनने वाला है, और देखते हैं अभी आगे चलते हैं इस वीडियो में। पानी का बिल्कुल वेस्टेज ना करते हुए ये देखिए ये पानी जा रहा है पौधे में, और यहाँ से बैंगन और टमाटर को धुला जा रहा है। अच्छा हम ये रख दिया है बैंगन, क्या बात है, ऐसे ही रखा जाएगा। हाँ बस ठीक है, इसको रख दिया है। बैगन भरता राइट, हम लोग बनाने वाले हैं क्या, चोखा वाटी। ये क्या बात है, चोखा वाटी बाहर की तो बहुत खाई होगी लेकिन ऐसी ही बनती है दोस्तों। लेकिन हाँ किसी भी डिश को अगर आप पूरा टाइम देंगे तो वाकई में वो डिश बहुत ही अच्छी बनेगी, मन से अगर बनाएगी कोई डिश होती है तो। समझ रहे हो आप? ये है बहुत तेज आ रहे टमाटर, और इसको शेयर करिएगा वायरल वीडियो, बहुत मेहनत लग रही है। ओ भाई साहब भर पूरा। हाँ इसको पलटते रहना है दोस्तों तभी ये बनेगा, और ये प्रॉपर कंडे में बनाया जा रहा है, तसला, तसले के ऊपर कंडा, कंडे में लगाई गई आग, आग के बाद बैगन रखा गया है गोल बैगन, और बैगन के अंदर रखे गए हैं लहसुन, जैसा कि आप देख रहे हो हल्का सा, ये देखिए लहसुन रखे हैं, और ये टमाटर है, ये सबको पकाया जा रहा है। ये हम लोग बना रहे हैं चोखा बाटी राइट। अदरक को काटा जा रहा है प्रॉपर तरीके से छील के, ये दोस्तों सत्तू है, और ये तो मार्केट से रेडीमेड वगैरह आ जाता है। ये बैगन पूरा प्रॉपर बन चुके हैं, हाँ ज्यादा ही बन गए हैं। टमाटर टमाटर ही बन चुके हैं, ये धनिया की तैयारी है कटने के, ये टमाटर को इसका छीलना है, प्रॉपर टमाटर छीले जा रहे हैं, छीलने के बाद धुलोगे किसक जाएगा। सत्तू नीचे मर रहा, सत्तू और उधर वो अदरक कट रही है। दोस्तों अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आपको ये जो इसके जो बीज होते हैं देखिए इस तरीके से, अगर आप तीखा जैसे हम लोग यहाँ तीखा खाया जाता है, तो हम लोग जो इसके बीज होते हैं ना विदाउट तीखे वाले के लिए बीज निकालने हैं, और तीखे वाले के लिए बीज आपको नहीं निकालने, इस तरीके से निकाले जा रहे हैं। अब ये बिना तीखे वाले का ये बक्कल को काट लिया आपने तो इतना तीखा नहीं रहेगा राइट। देखिए प्रॉपर बैगन बन चुके हैं जो कि नीचे आ गए हैं, अब इसके बाद ये टमाटर के ऊपर का बक्कल निकल गया है, अब इसको हम लोग
ठंडा करने के लिए रख दिया है। इधर ये देखिए धनिया कट रही है, पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इधर देखिए ये मिर्च कट रही है, और इधर देखिए क्या है सत्तू, इधर देखिए सत्तू को जो है इधर कंप्लीट है। लिट्टी बनाने के लिए हम लोग क्या है ना मोटे आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे घर में मोटा आटा नहीं था फिलहाल, मोटा आटा नहीं था जैसे कि, तो इस आटे में जो साइड में आप देख रहे हैं ना ये रवा है, तो इस रवा का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा रवा ले लिया हम लोगों ने 100 ग्राम के आसपास, और बाकी ये आटा है और बाकी प्रिपरेशन चल रही है आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा व्यवस्था चल रही है, इसका ऊपर का जो छिलका होता है ना वो निकाल दिया है बैगन का, आप ये देख पा रहे हैं कि अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग आटे को मारते हैं। और जिससे मैंने आपको बताया रवा के लिए, ठीक है ना, तो आटे को मोटा करने के लिए रवा का भी यूज़ करते हैं हम लोग। और अभी हमारे यहाँ क्वांटिटी बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि स्पेशल डिश है ये, बिहार की डिश है चोखा बाटी, तो अब क्या है कि इसमें आटा और मिलाना है। चलो आटे को मिलाते हैं प्रॉपर तरीके से, आटे को हम लोग छान रहे हैं, और छानने के बाद जो भी क्वांटिटी है कोई 2, 3, 4, अब जब नई डिश घर में बनती है तो लोग 5-5 भी खा लेते हैं, कौन सा पैसा पड़ना है। ये देखिए ये सत्तू था, और सत्तू में मिलाया गया है इसमें बारीक कटी हुई धनिया, लहसुन और अदरक, है ना। अब ये देखिए इधर धनिया मिलाई जा रही है, ये धनिया है, तो प्रॉपर 2-3 चीज़ें थी, मिर्ची भी थी उसमें, और इस सत्तू में देखिए अचार भी मिलाया जा रहा है। अचार वही मल्टी वाला अचार है जो कि मार्केट से मिल जाता है, वही अचार है ये। ये थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल हम लोगों ने मिला दिया है आटे में, तो ये देखिए सत्तू में भी सरसों का तेल मिला दिया है। आटा था पूरा भरता, ये हमारा मर चुका है, और ये आलू का भरता है, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इधर थोड़ा सा मिर्च, इसमें ऐसा लग रहा है मिर्च कम है, तो थोड़ा सा हम लोग मिर्च को और पीस रहे हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये मिर्च है, और मिर्च को ये मिर्च है इसको भी इसमें मिला लिया है। ये देखिए ये मिर्चें हैं, वो वाली मिर्चें हैं जो कम कड़ू होते हैं, ये मिर्चें हैं, मिर्चें को बारीकी से काट रहे हैं, और इसको भी उसमें मिला देंगे, राइट, इसको उसमें मिला देते हैं। इधर आटा मर चुका है, पूरा कंप्लीट है, लोई तोड़ो। ये देखिए इसमें मिर्ची को मिला दिया है भरते में, ये हम लोग कुछ एडिशनल चीजें इसमें डाल रहे हैं, जैसे कि मिर्च है और भी इसमें कुछ चीजें डाली गई हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि और अच्छा टेस्ट आ सके, जो कि हम लोग जब बाहर से खाते हैं तो उसमें ऐसा टेस्ट नहीं मिलता है हम लोगों को। आप बाकी देखते हैं, इसमें अभी नमक बारीकी से मिला लिया है, और नमक मिलाने के बाद अभी कुछ इसमें सोच रहे हैं कुछ स्पेशल करने के लिए, जो कि लोग नहीं करते हैं वो हम करेंगे, आपको दिखाते हैं। लोई बना रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, और लोई बनाने के साथ साथ जो है ये बाटी बन रही है पूरी, प्रॉपर बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लोई बनाते हैं। लोई बनाने के बाद ये देखिए लोई बन गई है, और फिर इसको लोई को अलग अलग कर लेते हैं, फिर इस तरीके से जो कंप्लीट हुआ वो दिखाना, कंप्लीट स्टफिंग की जा रही है। इधर देखिए ये लोई बन रही है, और ये स्टफिंग की जा रही है, ये देखिए देखिए ये तो पूरा भुज गया है बैगन को भूनने के बाद। अब इसके बाद फिर से इसमें कंडे लगाए जाएंगे बाटी के लिए। इस राख को इधर पलट लिया है, अब इसके बाद दूसरी आग तैयार करने में जो भी टाइम लगेगा, ओवरऑल कंडे वगैरह पेपर लगा दो, ये पेपर
पूरा घर लगा हुआ कि भाई बहुत अच्छी डिश बनेगी डिश बनेगी। हाँ हवा अच्छे चलने के कारण बस आग तुरंत लग गई, तुरंत आग पकड़ ली उसने कंडो में। हाँ तो काफी टाइम लग जाता। आग पकड़ ली है, अब इसमें रखेंगे अभी थोड़ी देर में बाटी। आग में रख दी गई है और अब इसको हम लोग पलटते हैं बारीकी से, क्योंकि क्या है ना कि ये भी बहुत जल्दी जो है बन जाएंगी, इसलिए ये बाटी को धीरे धीरे हम लोग पलटते रहेंगे आग में। देखिए इस तरीके से सिकती रहेंगी, आप देख रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, जिस जिसमें आप बिल्कुल मन से मेहनत करते हैं उसका टेस्ट ऑटोमेटिक आता है। और बस ये होता है कि घर पे अगर हम लोग कोई चीज़ को बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बन जाती है चीज़ें, क्योंकि प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर चीज़ें होती हैं, प्रॉपर समय सब कुछ होता है ना। तो और एक तो सफाई से आप बना सकते हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं ना पता नहीं कैसी बनी हो क्या बना हो, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करते खाने के लिए। अब यहाँ पर आप कुछ भी घर पर बना सकते हैं, मोमोज भी या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो उसमें ये होता कम से कम ठीक है सफाई से बन रही चीज। देखिए तेल डाल चुके हैं, अब इसमें डाला है लहसुन। अब इस भरते को हम लोग करेंगे फ्राई, थोड़ा सा ये लहसुन लाल हो जाए। डाल दिया हींग, इसमें हींग पड़ गई है, हींग इसमें डाल दिया, कस्तूरी मेथी भी, ये पड़ गया भरता। अब ये यहाँ पर स्पेशल तरीके से भरता, अगर कहीं से भी कच्चा रहेगा तो स्पेशल तरीके से इसमें पक जाएगा, कलर बराबर आ जाएगा, अच्छे से पकेगा कलर बराबर आ जाएगा जैसा कि आपने सुना। और अब इसको पूरा फ्राई कर लेते बढ़िया से, गैस थोड़ा सा आप डीप रखेंगे ज्यादा सही रहेगा, तो फिर ये ना एक टेस्ट आ जाएगा बिल्कुल। हो गया है, इसको बोलते हैं चोखा, चोखा हो गया कंप्लीट। और अब इस सबको परोसा जा रहा है इस तरीके से। सर दाल बनानी है, किसी को बैगन नहीं पसंद है, चोखा नहीं पसंद है, तो वो दाल के साथ खा सकता है वाटी। वाटी को देसी घी में डुबोना है और ये है भाई साहब वाटी। इस तरीके से वाटी को देखिए पूरा डुबो दिया है प्रॉपर ये। हाँ ये। और ये प्लेट में आ गया है, बस एक स्पेशल डिश है वो है ये दाल।